हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बजाज पल्सर NS 200 PS6 वर्ज़न 2020। जी हाँ दोस्तों, बजाज पल्सर ने NS 200 को PS6 वर्ज़न में लॉन्च कर दिया है, जिसका हम सभी को इंतज़ार था। तो बजाज ने सबसे पहला वर्ज़न लॉन्च किया था 2005 में, जो कि NS 200 ही था, और इस बार NS 200 PS6 वर्जन 2020 में लॉन्च हुआ है। ये नई कलर आई हुई है वाइल्ड रेड के नाम से, जो कि काफ़ी खूबसूरत है। NS स्टैंड करता है नेकेड स्पोर्ट बाइक के लिए, तो बाइक को देख के ही पता चल जाता है कि ये बाइक नेकेड स्पोर्ट बाइक है। तो अगर इसके इंजन की बात करें तो इसमें लगा हुआ है 199.5 सीसी का 4 स्ट्रोक SOHC 4 वॉल्व ट्रिपल स्पार्क लिक्विड कूल्ड सिंगल सिलेंडर विद फ्यूल इंजेक्टेड टेक्नोलॉजी के साथ BS6 कॉम्प्लियंट DTSI इंजन। जी हाँ दोस्तों, इसका इंजन 200 सीसी का काफ़ी पावरफुल इंजन है, जो कि जनरेट कर सकता है 24.5 HP का पावर एंड 18.5 न्यूटन मीटर का टॉर्क। तो आइए सबसे पहले इसकी आवाज सुनते हैं। आप आवाज सुन सकते होंगे, काफी शानदार आवाज है। NS की खासियत है कि इसका एग्जॉस्ट जो है बहुत छोटा रहता है, जो कि आपको दिखता नहीं है, आपको झुक कर उसे देखना पड़ेगा। तो बजाज ने इसे 4 न्यू कलर्स में लॉन्च किया है, जो कि है ग्रेफाइट ब्लैक, मिराज वाइट, वाइल्ड रेड एंड फियरी येल्लो। तो अभी मेरे सामने है फियरी येल्लो एंड वाइल्ड रेड। दोनों ही बाइक काफ़ी खूबसूरत देखने में लग रही है। ये फियरी येल्लो जो कि BS4 में भी आती थी, काफ़ी खूबसूरत है BS6 में भी, और यह है वाइल्ड रेड। पावर तो आपने जान ली, अब माइलेज की बात करते हैं। तो इसकी माइलेज 35 से 40 किलोमीटर पर लीटर की है। टैंक कैपेसिटी 12 लीटर की है, जिसमें से 2.5 लीटर जो है वो रिजर्व में जाता है। वेट की बात करें तो 156 केजी का वेट है इसमें। सीट हाइट 805 मिलीमीटर की है एंड ग्राउंड क्लियरेंस जो है 168 मिलीमीटर का है। इसकी स्पीड 0 to 60 एंड 0 to 100, और इसकी टॉप स्पीड मैं आपको अंत में बताऊंगा, क्योंकि वो बहुत ही खास है। फियरी येलो कलर मुझे काफी पसंद आई। रेड कलर में एक और कलर आने वाला है, वो मैं आपको जरूर बताऊंगा। तो हेडलाइट की बात करें तो यहाँ पे आपको विंडशील्ड के साथ बजाज का लोगो मिल जाता है। हेडलाइट की बात करें तो इसमें आपको मिल जाते हैं डे टाइम रनिंग लैम्प, जो कि नीचे की ओर है। H4 ब्लू टिंग का हेडलाइट मिल जाता है, बल्ब हेडलाइट, साइड इंडिकेटर बल्ब मिल जाते हैं आपको इसमें। यहाँ पे नंबर प्लेट माउंटिंग की जगह मिल जाती है। मिडगार्ड जो है वो थोड़ा डिजाइनेबल है। फ्रंट सस्पेंशन की बात करें तो 300 mm का, सॉरी, टेलीस्कोपिक विथ एंटी फ्रिक्शन बूस्ट का सस्पेंशन मिल जाता है आपको। ABS मिल जाता है आपको, सिंगल चैनल ABS, फाइबर के डिस्क ब्रेक है, जो कि 300 mm का पेटल डिस्क विद सिंगल चैनल ABS ब्रेक मिल जाता है। अब फ्रंट टायर की बात करें तो आपको 100x80 का 17 इंच का 52P का ट्यूबलेस टायर मिल जाता है, विद अलॉय व्हील्स और कलर स्ट्राइप के साथ, जो कि व्हील्स पे लगे हुए हैं, जो कि मैच करते हैं रेड कलर से। येलो में भी येलो स्ट्राइप दी गई है, रेड में भी रेड स्ट्राइप दी गई है। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आपको रेडिएटर मिल जाता है, क्योंकि इंजन जो है वो लिक्विड कूल्ड है, इसलिए रेडिएटर देना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे आपको हॉर्न देखने को मिल जाता है एक,
रेडिएटर में कूलेंट डाला गया है ग्रीन कलर का, आप देख सकते हैं। DTSI इंजन जो है लगा हुआ है, इंजन काउलिंग आपको मिल जाती है जो कि मड वगैरह से बचाती है, इंजन को ज़्यादा गंदा नहीं होने देती। यहाँ पे आपको ग्राफिक्स में 200 लिखा हुआ मिल जाता है जो कि काफ़ी खूबसूरत डिज़ाइन के साथ देखने में लगता है। टैंक में आपको पल्सर लिखा हुआ मिल जाता है, टैंक में आपको रेड कलर के साथ मैटे कलर भी मिल जाता है, ब्लैक मैटे। यहाँ पे आपको रियर ब्रेक्स मिल जाते हैं, ड्राइवर पैड। यहाँ पे आपको NS200 का लोगो मिल जाता है विथ रेड ग्राफिक्स के साथ। यहाँ पे आपको ऑयल टैंक मिल जाता है, रियर ऑयल टैंक। रियर सस्पेंशन की बात करें, यहाँ पे आपको पिलियन फुट रेस्ट मिल जाते हैं, रियर मेड गार्ड जो है वो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी नीचे है पर अच्छा है। रियर ब्रेक्स की बात करें तो 230 mm का पेटल डिस्क ब्रेक आपको इसमें मिल जाता है। पीछे ABS नहीं दिया गया है। टायर की बात करें तो 130x70 का 17 इंच का 62P का ट्यूबलेस टायर मिल जाता है। इसमें भी आपको अलॉय व्हील्स में के साथ रेड कलर का स्ट्राइप मिल जाते हैं जो कि बाइक को एक खास लुक देते हैं। रियर की बात करें तो यहाँ पे आपको नंबर प्लेट के साथ LED टेल लाइट मिल जाती है जो कि पल्सर की पहचान है, सभी पल्सर्स में ऐसा ही लाइट है। साइड इंडिकेटर्स आपको मिल जाते हैं बल्ब के। यहाँ पे आपको नंबर माउंटिंग प्लेट माउंटिंग की जगह मिल जाती है, इसके ऊपर एक छोटी सी लाइट लगी हुई है। यहाँ पे आपको रेड कलर के लिफ्ट रिफ्लेक्टर्स मिल जाते हैं जो कि लाइट पड़ने पर चमकते हैं, रात में काफ़ी यूज है इसका। यहाँ पे आपको NS200 लिखा हुआ मिल जाता है पीछे की ओर, अगेन रेड स्ट्राइप पे हेरा। पिलियन ग्रैब हैंडल बार मिल जाते हैं आपको, पिलियन स्प्लिट सीट है जो कि पिलियन सीट खुल जाती है, कुशन काफ़ी अच्छा है, ज़्यादा कुशन नहीं है पर अच्छा है। यहाँ पे आपको रबर मिल जाते हैं टैंक में कंफर्ट के लिए। चैन सॉकेट मिल जाता है आपको, चैन कवर के साथ पिलियन फुटरेस्ट के साथ। यहाँ पे आपको ड्राइवर फुटरेस्ट और गियर मिल जाते हैं। गियर की बात करें तो इसमें एक नीचे और 5 ऊपर गियर है, यानी टोटल 6 स्पीड गियर्स हैं मल्टीप्लेट वेट गियर्स के साथ। यहाँ पे आपको मेन और रिजर्व में शिफ्ट करने का नॉब नहीं मिलता है क्योंकि ये FI टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है इसमें। किसी भी BS6 वर्जन में जिस बाइक में FI टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है आपको नॉब देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे आपको पल्सर का लोगो मिल जाता है, अगेन यहाँ पे आपको 200 ग्राफिक्स लिखा हुआ मिल जाता है। आपको रेड कलर स्ट्राइप्स मेड गार्ड्स में भी मिल जाते हैं जो कि काफ़ी खूबसूरत है। अब बात करते हैं इंस्ट्रूमेंट पैनल की, तो ऑन होते ही ये कुछ ऐसा सा दिखेगा। यहाँ पे आपको डिजिटल स्पीडोमीटर मिल जाता है, क्लॉक मिल जाते हैं, ऑडोमीटर और ट्रिप मीटर डिजिटल मिल जाते हैं आपको इसमें। टैकोमीटर जो है वो एनालॉग मिलता है, फ्यूल मीटर डिजिटल मिल जाते हैं। ABS का लोगो मिल जाता है, बजाज का लोगो, बैटरी का लोगो और न्यूट्रल का लोगो भी मिल जाता है। इंजन का लोगो भी मिल जाता है आपको, ऑयल का लोगो भी मिल जाता है। ये लोगो मुझे नहीं पता है किस चीज़ का दिया गया है। लेफ्ट हैंडल बार की बात करें तो यहाँ पे आपको अपर बीम एंड लोअर बीम का बटन मिल जाता है, पास का बटन भी दिया गया है इसमें, साइड इंडिकेटर का बटन दिया गया है जो एनएस की खासियत है। इसका न्यूट्रल करना काफ़ी आसान है, सिर्फ एक बटन दबा दीजिए। हॉर्न जो काफ़ी लाउड हॉर्न है। राइट हैंडल बार की बात करें तो यहाँ पे आपको इंजन कट ऑफ स्विच मिल जाता है,
फ्रंट ब्रेक्स टैंक ऑयल के साथ फ्रंट ब्रेक मिल जाते हैं, इलेक्ट्रिक स्टार्टर मिल जाता है, लाइट का स्विच नहीं है क्योंकि ऑटो हेडलैम्प ऑन है और ये बाइक स्टार्ट हो गई है, मैंने रेस दी और टैकोमीटर आगे भाग रहा है जो कि इंजन आरपीएम दर्शाता है। तो अब करते हैं इसे बंद। तो गाइस ये थी यामाहा की, सॉरी बजाज की पल्सर NS200 BS6 2020। ये है फियरी येलो कलर जो कि काफ़ी खूबसूरत है। इसमें भी रिम्स में येलो स्ट्राइप दिए गए हैं, मिड गार्ड्स में भी येलो ग्राफिक्स दी गई है, इंजन काउलिंग भी येलो है जो देखने में काफ़ी खूबसूरत लग रही है। तो अब बात करते हैं इसके स्पीड की। तो 0 टू 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड ये 3.87 सेकेंड में टच करती है जो कि काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस है। इस सेगमेंट में ये स्पीड बहुत ही कम बाइक्स में देखने को मिलती है, 0 टू 60 इन 3.87 सेकेंड में। वहीं 0 टू 100 ये 10.28 सेकेंड में जाती है जो कि मुझे उतनी अच्छी नहीं लगी। 10.28 सेकेंड बहुत ज़्यादा टाइम है 0 टू 100 में। टॉप स्पीड इसकी बात करें तो 135 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, 200 सीसी की बाइक के लिए ये स्पीड ठीक ही है। तो गाइस ये थी, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड स्पेशल थैंक्स टू NKD बजाज जिन्होंने अपना फेस्टिव आउटलेट धनबाद बस स्टैंड के पीछे नज़दीक ही खोला हुआ है जहाँ पे काफ़ी डिस्काउंट मिल रहे हैं। तो अगर आपको इस फेस्टिवल में बजाज की बाइक लेनी है तो इस शोरूम में ज़रूर आएँ, ये बस स्टैंड के नज़दीक है बेला टाउन में। NKD बजाज का ये फेस्टिव आउटलेट आप देख रहे हैं, इन्होंने ही हमें यहाँ शूटिंग की इजाज़त दी। यहाँ पे सारी बाइकें मौजूद है जैसे कि डोमिनार 400 BS6 वर्जन, अरोरा ग्रीन कलर आप देख रहे हैं, ये NS200 जिसकी वीडियो में आपने देख चुके हैं। यहाँ पे BS6 की सारी बाइकें मिल जाएंगी आपको, NS200 फेरी येलो भी आपको मिल जाएगी। तो गाइस शोरूम काफ़ी बढ़िया है और इन्होंने यहाँ हमें शूटिंग करने की इजाज़त दी, उसके लिए बहुत बहुत थैंक्स। तो गाइस एक बार ज़रूर विज़िट करें, बहुत हेल्पफुल है स्टाफ यहाँ के और शोरूम काफ़ी बढ़िया है NKD बजाज का और सर्विस भी काफ़ी बढ़िया है। तो ये फेस्टिव आउटलेट है